हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ लिंगराज लस्सी पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है भुवनेश्वर में। एंड आज मैं जाके आपको शो करने वाला हूँ कि वो एक्चुअली फेमस ही क्यों है, राइट? क्या उसके पास ऐसी वेराइटीज़ मिलती हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो अभी चलते हैं बिकॉज पापा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो पापा बुला रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मैं निकलता हूँ एंड निकलने के बाद आप सभी को दिखाऊँगा, राइट? तो मिलते हैं लिंगराज लस्सी पॉइंट में। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके थे, मैं, जीजा जी और पापा। हम लोग जा रहे थे हमारे जीजा जी ने जो साइट लिया वो देखने। उसके बाद कार का रिपेयर हो रहा था, ग्लास जो टूट गया था। यहाँ पे मेरी कार खड़ी थी तो मैं उसका ग्लास देख रहा था, सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, सब ठीक है कि नहीं। एक्चुअली एक पेड़ गिर गया था थोड़े से हवा चलने की वजह से घर के पास, तो ग्लास टूट गया था। तो अभी रिपेयर करवा के हम लोग जा रहे थे लिंगराज लस्सी शॉप पर, जो कि उड़ीसा में बहुत फेमस है। आप सभी इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं फर्नीचर प्लाजा भी देख रहा था, जीजा जी के किसी एक फ्रेंड का था, सो वो बता रहे थे। एंड देन हम लोग बाकी चीज़ों को भी देख रहे थे कि नए नए शोरूम्स भी आ गए हैं, मॉल्स भी आ गए हैं। सो बस थोड़ी देर में हम लोग लिंगराज पहुंचने वाले थे और शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। तो लिंगराज के बारे में जीआरजी बता रहे थे कैसे वो इतना फेमस हुआ, क्या, और ये बहुत ही फेमस एरिया था जहाँ पे लेके जा रहे थे वो। तो यहाँ पे बस हम लोग उस जगह पे पहुँचने वाले थे जहाँ पे लिंगराज के लस्सी के बारे में बहुत ज़्यादा नाम सुना था। ये पूरा एक स्टॉल जैसा एरिया जहाँ पे सारे टाइप के आपको यू नो स्नैक्स सारा कुछ मिल जाता है। तो सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ जमती है यू नो ये सारी चीज़ें खाने के लिए। तो हम लोग बस यहाँ पे आ गए थे एंड देन जिया जी ने बोला चलो आपको कौन कौन सा लस्सी क्या पीना पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करके कार पार्क कर रहे थे, पापा मैं निकल चुके। तो ये रहा वो शॉप जो लिंगराज लस्सी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। सो जीजा जी और पापा हम लोग से डिस्कस कर कौन सा वैरायटी लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत से वैरायटी के मिलते हैं यहाँ पे लस्सी। तो पापा मैं, मेरा फर्स्ट टाइम था तो हम लोग सब देख रहे थे कैसा क्या प्रिपेयर करते हैं। तो रबड़ी वाला हम लोगों ने लिया था, रबड़ी लस्सी, जो कि आप सामने देख सकते हो दो टाइप के ग्लास में मिलते हैं और बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाल के उसको बनाया जाता है। यू नो चेरी, नारियल और ये सामने जो ब्राउन देख रहे हो वो रबड़ी है। सो रबड़ी एंड बाकी चीज़ों को डाल के भी उसका प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ बहुत ही बिजी शॉप था गाइज, लाइक लिटरली मुझे जो एक ग्लास पड़ा वो ये वाला जो आप क्ले पॉट में देख रहे हो, ये 80 रुपये का था, ये 100 रुपये का था। सो 100 रुपये देखो आप लेते हुए भैया गए, सो ऐसा था। और हम लोगों ने तीन ग्लास लिया और तीन ग्लास लेके हम लोग चले गए थे पीने के लिए। तो मैं ये बस वाइब देख रहा था कैसा क्या बनाते हैं इन लोग। तो बस हम लोगों का वहाँ पे लस्सी, ये मैं उठा रहा था लस्सी और लेके हम लोग गया थे, पापा को मैंने दे दिया, जीजा जी मुझे दे रहे थे एंड देन मैंने अपना वाला उठाया, हम लोग निकल गए। फिर हम लोग बैक साइड चले गए थे जहाँ पे यू नो हम लोगों को बैठ के थोड़ा सा आराम से पीने का मौका मिला। तो पापा और जीजा जी यहाँ पे बैठे थे, मैंने दिखा रहा था पापा को, आप देख सकते हो पापा धीरे धीरे स्माइल कर रहे हैं। तो ये है वो शॉप जो आप आ सकते हो, अगर कोई भुवनेश्वर आ रहा था लिंगराज लस्सी शॉप गूगल में मारोगे ना तो आ जाएगा आप सभी को। सो यहाँ पे सारी फैमिली वैमिली बहुत सारी आई हुई थी और सारे लोग यहाँ पे अपना बैठ के लस्सी इंजॉय कर रहे थे। और ये रही उसका इसकी मतलब बेसिकली लस्सी का एक ग्लिम्स है। देन मैं चला गया था फुचका खाने, मैं और जीजा जी। यहाँ पे एक था साउथ इंडियन टिफिन वाला जो डोसा वोसा बना रहा था, बट हम लोगों ने सोचा चलो यार पानी पूरी थोड़ा खाते हैं, पानी वानी पूरी खा के फिर निकलेंगे। तो पापा बस वहीं पे आजू बाजू थोड़ा सा साइड देख रहे थे कौन कौन से क्या दुकान है, और हम लोग बस पानी पूरी में लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी भैया प्लेट बना के दें और हम लोग जाएं। तो बस ये खा के हम लोग वहाँ से निकले और दीदी के लिए हम लोगों ने वहाँ से ये पैक करवा लिया चाट। सो यहाँ पे आप चाट का प्रिपरेशन देख सकते हो गाइज, कितना ही यम्मी वे में उसको डेकोरेट किया जाता है। सो चाट लेके हम लोग डायरेक्टली घर निकल गए थे। और यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे साइमा को तुतुली हिप्नोटाइज कर रही है। और फिर गाइज मैं नेक्स्ट डे निकल गया था दिल्ली के लिए बिकॉज मेरा दिल्ली में कुछ दो तीन काम पेंडिंग था। सो एयर एशिया का फ्लाइट लिया हुआ था मैंने और हम लोग जस्ट अभी निकलने वाले थे। तो यहाँ पर सारे लोग जस्ट आ रहे थे एंड बैठ रहे थे, तब तक मैं अपना सेटल डाउन हो रहा था और सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। सो दिल्ली में काम थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था जिसकी वजह से मुझे फिर से दिल्ली जाना पड़ा था। एंड दिल्ली में आके मुझे ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, बट मैं अभी यहाँ पर सारा कुछ पैक वैक करके रख के और बस वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मैं रिटर्न कर रहा हूँ अपना दिल्ली के लिए। सो गाइज फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गया था और यहाँ पे लैंड करके बस हम लोग वेट कर रहे थे कि कब गाड़ी चलेगी। तो एयर इंडिया का यहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रहा था, तो यहाँ पे सामने से हम लोग देख रहे थे कैसे वो जा रहा है बिकॉज बहुत ही कम मौका मिलता है ना सामने से ऐसे फ्लाइट को जाते हुए देखने का। तो बस में बैठा हुआ था, सारे लोग यहाँ पे अभी पहुँचने वाले थे दिल्ली टर्मिनल थ्री में। मैंने ये देखा कि जीआरडी टाटा का कितना अच्छा पोस्टर लगा हुआ है एयर।
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आशा करता हूँ कि ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को अच्छा लगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना सो दैट आपको सारे अपडेट मिलते रहें। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अगर फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो टिल देन आप सभी को गुड बाय एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।